तो इस मेटल के स्फेयर के अंदर फ्री स्पेस है और उसके अंदर भी एक पॉइंट चार्ज क्यू है, मतलब कि ये मेटल का स्फेयर है, खाली स्पेस है, अंदर चार्ज क्यू है। आगे यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2। P1 के ऊपर आपको E निकालना है, P2 के ऊपर आपको E निकालना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शेल के फॉर्मूले लगेंगे, नहीं, कुछ नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ एक कंप्लीट शेल का फॉर्मूला आता है, आपको सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला आता है बस। तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती कि एक शेल जिसकी थिकनेस है उसके अंदर जाके अगर ई निकालना हो या इस टाइप की प्रॉब्लम को नहीं आता। तो एक चीज़ आती है, जहाँ ई निकालना है वहाँ क्या मार्क करेंगे, गॉसियन सरफेस। एक काम करते हैं, P1 एक पॉइंट है, पहले P1 पे निकालते हैं, मेक अ गॉसियन सरफेस, क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। रेडियस इस स्फीयर का क्या होगा, R1 होगा। रेडियस क्या होगा, R1 होगा। तो ई इंटू एरिया, ई इंटू 4πr² सीधा शॉर्टकट लगा दिया, तो E डॉट ds का मतलब E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा इक्वेट करके एक मिनट में E1 आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कुछ भी नहीं किया, E इंटू 4πr² E इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू इसके अंदर कितना चार्ज है, P1 वाले स्फीयर के अंदर Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें, इक्वेट करके आंसर आ गया। हमारी टेंशन नहीं है यार, वो खाली स्फेयर है, खाली बॉल की तरह स्फेयर है, अंदर किसने चार्ज रख के उसको ढक दिया होगा। हम इस डिटेल में नहीं जा सकते यार कि तूने ऐसा चार्ज क्यों रखा, नहीं तेरे को रखना नहीं चाहिए, तो कैसे रखा, तू पहले बता कैसे रखा, नहीं घर पाएंगे। तो हमें कोई टेंशन नहीं, जहां वो चार्ज देगा हमने तो ई निकाल देना, बात खत्म, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यार, चार्ज रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे अब अगर मुझे इस मेटल के अंदर ई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस P2 पे क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस। तो ये देखो, ये पिंक कलर की गॉसियन सरफेस देख रहे हो, क्लियर है यहां तक। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने यहां क्यू रखा था ना, और ये जो पिंक कलर का सरफेस है ये एक मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस के यहां क्या लगेगी, इंडक्शन। ये पॉइंट सबको समझ में आया, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है इसके अंदर। जब एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो इसके अंदर की तरफ सारे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इसकी इनर सरफेस पे खींच लेगा ये, और आउटर सरफेस पे क्या ले आएगा, पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। कोई डाउट इसमें, क्या है पॉइंट, क्लियर सबको, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मेटल की सरफेस पे इंडक्शन लगाई, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें किसी भी शेल के अंदर चार्ज है, पहले चार्ज था ही नहीं शेल के अंदर कभी भी, आज पहली बार हुआ। तो सोचो अगर मैं इस जगह पे क्यू चार्ज रख दूं एंड ये मेटल का रूम है, तो ऑब्वियसली इस पूरी दीवार और इसकी तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उल्टी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और इंडक्शन में जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर ये क्यू चार्ज है तो इसके अंदर की तरफ माइनस क्यू, बाहर की तरफ प्लस क्यू। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें ये आपके पास, ये मैंने पिंक कलर का बनाया, तो इसके अंदर E इंटू 4πr² क्यों, पिंक कलर का गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, R2 है। तो E2 इंटू जो भी E निकालना है इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू इस पिंक कलर के अंदर कितना चार्ज है। अब मैं दिखाई, मुझे दिखाई दे रहा है इस पिंक कलर के अंदर एक तो माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज भी है। देखो ना, इस पिंक कलर के अंदर अंदर इनसाइड कितना चार्ज है, इस पिंक कलर की सरफेस के इनसाइड अगर लेते हो तो ये क्या चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, राइट, ऐसे, क्लियर है यहाँ तक। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज, ये जो चार्ज है ये तो पिंक डॉटेड लाइन के बाहर चला गया, और हमने गॉस थ्योरम में क्या लेना होता है, चार्ज अंदर लेना होता है। कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये बताओ, तो पिंक कलर की सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू एंड माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो गया, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो ई क्या आ गया, जीरो। ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी, किसी भी मेटल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता और किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर ई भी नहीं होता, ये प्रूफ है। किसी भी मेटल की सरफेस के अंदर ई कभी एग्जिस्ट
नहीं करेगा। तो आज के बाद अगर शॉर्टकट भी आ जाए तो अंदर ई क्या होगा मेटल की सरफेस में, तो आंसर क्या लिखेंगे? जीरो। पर मैंने प्रूफ भी कर दिया ऐसा क्यों हुआ। क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है? वैसे इसमें कुछ करना नहीं है, गॉसियन सरफेस बनाओ, जो अंदर चार्ज होगा वही लिख लो, बात खत्म। इसमें खास बात यह है कि इसमें हमने क्या लिया हुआ है, इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगा रखी है। ओके, फिर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू। एक शेल है, अंदर का रेडियस आर वन है, बाहर का रेडियस आर टू है, ठीक है? तो एक थिक शेल है, ये हॉलो है, अंदर से खाली है, और ये क्या है, एक थिक शेल है, मोटा शेल है। कई लोग सोचते हैं कि ये स्फेयर है, नहीं स्फेयर है, एक खाली स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, लेकिन उसकी क्या है, आउटर सरफेस की थिकनेस है, मोटाई है उसकी, मोटा थिक शेल है वो बॉल की तरह, खाली बॉल की तरह, पर सरफेस में काफी मटेरियल भर रखा है, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर वो कह रहा है कि इस केस में अंदर का रेडियस आर वन है, बाहर का रेडियस आर टू है। आगे हैज अ चार्ज कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू कहां पर है? कैपिटल क्यू आउटर रेडियस आर टू हैज अ चार्ज ऑफ कैपिटल, तो यहां पर मुझे कुछ कैपिटल क्यू दिखाई दे रहा है कि इस शेल के बाहर की तरफ कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। आपको माइनस क्यू ये कहां से आ गया मैं बताता हूं। अब वो कह रहा है अ चार्ज छोटा क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब मुझे बाकी कहानी बाद में पढ़ते हैं, आप बस मुझे एक चीज का आंसर दो इसमें कि अगर आपके पास एक थिक एक शेल है और शेल के ऊपर चार्ज क्या है, शेल है ये एक ये ओके देखो, तो अब सपोज करो ये एक शेल है, ठीक है, थोड़ा मोटा बनाऊंगा अभी पहले इनर, ये एक शेल है ऐसे, चलो बना लेता हूँ, ये लो ये एक शेल है, ये रहा, ठीक है, और ये थिक है, थिक समझते हो, इसके अंदर मटेरियल है, ये कंडक्टर है, जैसे लोहे का अंदर मटेरियल भरा हुआ है इसमें, राइट, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो कि अगर मैं इसमें सपोज करो चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, तो मेटल का शेल है, मेटल के शेल में क्या लगेगी, इंडक्शन, इसके इनर बाउंड्री पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो बनाऊ नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, और इस पूरे अमाउंट होगा कितना, माइनस क्यू, टोटल माइनस क्यू, ठीक। माइनस क्यू का मतलब कहीं से तो इलेक्ट्रॉन भाग के आए और कहीं पर तो क्या प्रोड्यूस हो गई है, डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी कहां प्रोड्यूस हुई, आउटर शेल पे। तो बाहर की तरफ बनाऊं या इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं या बाहर बनाऊं प्लस क्यू, यहां भी तो हो सकता है ना माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर चार्ज थोड़ी ना होगा, अंदर चार्ज थोड़ा भरोगे। तो अगर मेरा हाथ एक मेटल का बना हुआ हाथ है और मोटा, ये देखो थिकनेस है इसकी, तो अगर ये माइनस क्यू है तो प्लस क्यू यहां पे नहीं होगा, अंदर उंगली के यहां होगा, सरफेस पे होगा। तो मेटल है ये, शेडेड का मतलब मेटल है, मेटल के अंदर कभी चार्ज होता नहीं है, तो ये माइनस क्यू तो यहां पर प्लस क्यू, ये लो। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है? तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, अंदर नहीं चार्ज बनाना। ओके, अब वो कह रहा है कि ये जो शेल है ना, इस पे बाय इंडक्शन तो माइनस क्यू प्लस क्यू आ ही गया, एक चार्ज इसका खुद का भी है, इसका खुद का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, जो सरफेस के बाहर है, इसका अपना भी चार्ज था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और चार्ज अंदर थोड़ा देंगे, चार्ज सरफेस के हमेशा बाहर आता है कंडक्टर के, तो इसका ऑलरेडी चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तब सिचुएशन क्लियर हो गई। एक कैपिटल क्यू चार्ज है ऑलरेडी इसके पास है, सरफेस के ऊपर था, इसका अपना ही था, और एक चार्ज स्मॉल क्यू था, स्मॉल क्यू ने क्या प्रोड्यूस की, इंडक्शन, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, क्या स्टेप क्लियर है? तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई। अब तो जब दो चार्ज दिए जाएंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो आउटर बाउंड्री पे चार्ज क्या पाया जाएगा, क्यू प्लस क्यू, इसके इनर बाउंड्री पे माइनस क्यू और सेंटर के ऊपर प्लस क्यू, तो सिचुएशन क्लियर है चार्जेस की। ओके, तो क्योंकि ये ना कंफ्यूज करती हैं चीजें, तो इसकी क्लैरिटी, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगानी जरूरी है, अगर आपको ये नहीं समझ में आई तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो आपको सिचुएशन क्लियर हो गई, अब निकालना क्या है,
वॉट इज द सर्फेस डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर स्फेयर? इनर स्फेयर कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, इनर स्फेयर पे कौन सा चार्ज है, प्लस की माइनस? इनर स्फेयर के ये कौन सा चार्ज दिख रहा है? सरफेस पे भाई, सरफेस पे, क्योंकि कौन सी डेंसिटी निकालनी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। तो ये ना कोई कहे सर इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, ना ना, सरफेस के ऊपर, हवा सेंटर में नहीं, इसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। आउटर शेल के सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है? क्यू प्लस क्यू, दिख रहा है यहां तक। इनर सरफेस का एरिया कितना है? 4πr1² आउटर सरफेस का एरिया कितना है? 4πr2² तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनर शेल, इनर शेल पे चार्ज कितना बोला आपने? माइनस क्यू, एरिया आपको पता है। आउटर सरफेस चार्ज क्या बोला? क्यू प्लस क्यू, एरिया पता है। डन, क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो सिग्मा समझ में आ रहा है, सिग्मा कैसे लिखना है इसका? तो इसमें वो सिग्मा नहीं चेक कर रहा, इसमें वो इंडक्शन चेक कर रहा है कि आप क्या इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। एक इंडक्शन बीच में कैसे आ गई ना, पहले लेक्चर में करवाई थी, पता नहीं भूल भाल गई, इंडक्शन भी होती है दुनिया में, अब इंडक्शन अपना रोल प्ले कर रही है। तो शेल प्रॉब्लम में इंडक्शन का रोल प्ले करती है, शेल्स के अंदर आपको इंडक्शन दिखेगी, राइट? प्रैक्टिस से पता लग जाएगा आपको। ज़्यादातर शेल में अगर सेंटर के ऊपर चार्ज गिवन है और मेटल का स्फेयर है, तो आपको इंडक्शन की प्रॉपर्टी में लगातार दिखूंगा इसमें हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? तो लिख लेंगे सिग्मा। ओके, नेक्स्ट है। अब वो कह रहा है इन द अबव प्रॉब्लम आपको ई निकालना है, आपको ई निकालना है, और कहाँ निकालना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और एक्स ग्रेटर देन आर टू। आर टू कहाँ पर है? ये रहा आर टू। आउटर शेल का रेडियस कितना है? आर टू। मेरे को तो आर टू से भी बड़े डिस्टेंस पे ई निकालना है। आर टू से बड़ा डिस्टेंस कितना हुआ? आर, इस शेल के भी बाहर कहीं यहाँ पे। क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो यहाँ पर ई निकालना है, तो क्या बनाए? गॉशियन सरफेस बना दिया, डॉट 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 गॉशियन। इस गॉशियन सरफेस का रेडियस बोलो कितना है? इस गॉशियन सरफेस का रेडियस क्या बनेगा? ठीक के भी नहीं बोल पा रहे तो मैं क्या बोलूंगा यार। एक्स भाई, मतलब कि इस हिसाब से अगर मैं मेन्स और नीट के पेपर में खड़ा हो जाऊंगा ना भाई, ऑप्शन मार्क कर दे, देख ले ये ऑप्शन मार्क करनी है तो भी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको तो पता ही लग रहा कि इसका रेडियस कितना है, एक्स है। तो गॉस तो बड़ी दूर की बात है, क्या बोल रहे हो भाई? ठीक हो, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? एक्स है। समझ में आ रहा है यहां तक? जहां पर ई निकालना है वही तो रेडियस बन जाता है। कहां निकालना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो यहां पर एरिया क्या होगा? 4πx2। तो ई डॉट डी एस लगाएं गॉसियन। मैं ना वो स्टेप नहीं करके दिखा रहा, ये गॉसियन है, ई है, डी एस है। अब आपको पता है यार, करना ही कुछ नहीं है। ई डॉट डी एस में ई इंटू 4πr2। तो इसमें, इसके अंदर ई इंटू 4πx2 ऑब्वियसली इज इक्वल टू, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? इस पूरे डॉट 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 के अंदर चार्ज बोलो। आउटर बाउंड्री पे कितना चार्ज है? क्यू प्लस क्यू। यहाँ पर कितना है? माइनस क्यू। यहाँ पर कितना है? क्यू। ऐड करो टोटल चार्ज में, क्यू प्लस क्यू, क्यू और माइनस क्यू। अब अलग बात है, माइनस क्यू क्यू इंडक्शन के चार्ज आपस में क्या हो गए? कैंसल। तो नेट आंसर क्या आ गया? सिर्फ क्यू प्लस क्यू। चलो वो कैंसिल हो या ना हो, आपको समझ में आ गया टोटल चार्ज क्या लेना है। तो डॉटेड जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आपने ले लिया, उस अंदर के चार्ज में प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई। तो यहाँ से ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेटेड? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे लिखा मैंने? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब एक और चीज देखें इसमें, कि अगर आप ध्यान से देखें कि जब आप ई की वैल्यू निकाल रहे थे बाहर बाहर, और आपने जब टोटल चार्ज को लिया, तो टोटल चार्ज में आपने ये लिया, फिर आपने इंडक्शन का, ये माइनस क्यू इज ड्यू टू इंडक्शन, दिस प्लस क्यू इज ड्यू टू इंडक्शन। ये माइनस क्यू प्लस क्यू तो फ्री में इंडक्शन से आए हुए हैं, ये कोई अपना चार्ज थोड़ा था शेल का। हाँ, कैपिटल क्यू अपना चार्ज था। तो आपने देखा कि इंडक्शन के चार्जेस आपस में क्या हो गए? कैंसल, क्योंकि जब नेट चार्ज लिया तो प्लस क्यू माइनस क्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यहां से कैंसल। ठीक, हालांकि आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बस गॉसियन सरफेस बनाए, आप टोटल चार्ज लें, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो। नहीं, ये वो रूल ही नहीं लगेगा इसमें जो आप सोच रहे हो। ये कौन सा जॉइंट है यार क्यूज के साथ? हवा में है चार्ज, तो कहीं कंडक्टर की मेटल के अंदर नहीं रहता, उसके अंदर अगर हवा हॉलो है वहां तो रहता है चार्ज, हवा में थोड़ा मूव करेगा।
सॉलिड के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है यहाँ तक? तो क्या ये रूल्स को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब जो फिजिक्स स्टार्ट होगी, चाहे गॉस है, चाहे पोटेंशियल है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस है, आप अगर धक्का करोगे ना और याद करोगे, आपसे संभलेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कॉन्सेप्ट पकड़ना, आपको मजा आ जाएगा, आपका एफर्ट ही नहीं लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना कि क्या रूल फॉलो करने हैं आपने, रूल कि मैंने जहां ई निकालना है वह गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का एरिया में गॉसियन सरफेस का रेडियस, और फिर उसके अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये रूल भूलना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर एज शोन। ओके, कहाँ है क्यू? क्यू कहाँ है क्यू? क्यू ये रहा क्यू, ये रहा क्यू। फाइंड चार्ज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, ऐसा है, पहले इनिशियल कंडीशन ये थी, ये भी मेटल का बना हुआ कोई बॉडी है, मेटल की बनी हुई बॉडी है जिसका अपना चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। इस मेटल की बॉडी का अपना चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, राइट? और मैंने यहां पर क्या चार्ज रख दिया? स्मॉल क्यू। तो इसमें क्या लग गई? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या हुआ? ये हुआ माइनस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू। इंडक्शन हो गई ना, तो माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ, मैंने ये नहीं रखा था, तो बस ये सिचुएशन थी। तो कैपिटल क्यू, ऐसा नहीं है कि कैपिटल क्यू कोई यही इस पॉइंट पे होगा, तो ऐसा है कि जो कैपिटल क्यू इसको दिया हुआ था ना, ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये फिगर में पूरा बना नहीं रखा, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे का पूरा चार्ज कितना है, क्या ऐसी सिचुएशन थी। फिर मैंने क्या किया, इसमें क्या रख दिया? स्मॉल क्यू सेंटर पे। स्मॉल क्यू ने अंदर क्या कर दी? इंडक्शन। तो स्मॉल क्यू क्या करेगा? ये क्यू और ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? माइनस क्यू। तो उल्टी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। तो अब टोटल चार्ज बाहर की तरफ कितना हो गया? क्यू प्लस क्यू। वही सेम सिचुएशन जो की हमने अभी डिस्कस की थी। तो ये लो, वो क्या कह रहा है? फाइंड द चार्ज एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सॉल्यूशन क्या देखना हो तो क्या? आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा? सबसे आउटर पे क्यू प्लस क्यू, डन। तो इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रखा है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है डन सफिशिएंट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्यू प्लस क्यू आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है,